हेलो दोस्तों, मेरा नाम असलम अहमद है और मैं आपका स्वागत करता हूं कोरेल ड्रॉ एसेंशियल्स के सीरीज में। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। टेक्स्ट टूल कोरेल ड्रॉ में एक ऐसा टूल है जिससे आप टेक्स्ट को क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हैं। यह टूल ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप डॉक्यूमेंट्स, पोस्टर्स, बैनर्स, लोगोज वगैरह में टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल के दो मेन मोड्स होते हैं, आर्टिस्टिक टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट। आर्टिस्टिक टेक्स्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको एक छोटे टेक्स्ट या हेडिंग की जरूरत हो, जैसे कि टाइटल्स, लेबल्स या लोगोस। आर्टिस्टिक टेक्स्ट को बनाने के लिए आप टूल बॉक्स में से टेक्स्ट टूल चुनें या F8 की दबाएं और जहां टेक्स्ट लिखना है वहां क्लिक करें। आर्टिस्टिक टेक्स्ट को आसानी से मूव, रिसाइज और रोटेट कर सकते हैं जिससे यह काफी फ्लेक्सिबल होता है। पैराग्राफ टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज तब होता है जब आपको ज्यादा टेक्स्ट लिखने की जरूरत हो, जैसे कि पैराग्राफ्स, आर्टिकल्स या डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस। इसके लिए आप टेक्स्ट टूल से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रैग करें जिसमें आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ये बॉक्स ऑटोमेटिकली रिसाइज होगा जैसे जैसे आप टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स। कोरेल ड्रॉ में आप टेक्स्ट टूल के जरिए टेक्स्ट की फॉन्ट, साइज, कलर और अलाइनमेंट को इजीली चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेक्स्ट को जस्टिफाई, सेंटर या अलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट को कर्व पर अलाइन कर सकते हैं या इसे किसी शेप के अंदर भी डाल सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट टूल के जरिए आप टेक्स्ट में शेडो, ट्रांसपेरेंसी और एनवलप इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप टेक्स्ट टू पाथ जैसे फीचर्स का यूज करके टेक्स्ट को किसी कस्टम पाथ पर अलाइन कर सकते हैं जिससे यह क्रिएटिव और विजुअली अपीलिंग बन जाता है। तो दोस्तों, ये था कोरेल ड्रॉ का टेक्स्ट टूल और इसके इस्तेमाल के तरीके। इस टूल की मदद से आप अपने डिजाइन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।